अरे का हाल वानी बच्ची लोग, रउआ लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एशिया ट्यूटोरियल में। आज हम लोग आप लोगों से बुझले जानी कि क्रिस्टलाइजेशन के बात करे बानी। आज जब चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स के क्रिस्टलाइजेशन के पार्ट टू है। तो दूसरा पहला पार्ट में आपने 30 क्वेश्चन देख लिया बाड़ा, आज हम दूसरे क्वेश्चन बात करेंगे पार्ट टू में अगले 30 क्वेश्चन को देख ले बाड़ा। तो उठा लिया पेन और पेपर और लिखा कि कितना जवाब तुमने सही देन बाड़ा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इन मोस्ट ऑफ द वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, वैक्यूम इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाई मीन्स ऑफ है। चूज द राइट आंसर। यस एंड द राइट आंसर इज सी, स्टीम जेट इजेक्टर विथ बैरोमेट्रिक कंडेंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू। द क्रैकिंग ऑफ क्रिस्टल कैन बी प्रिवेंटेड बाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। थ्री, व्हाट टाइप ऑफ साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑकर्स इन बैच क्रिस्टलाइजेशन। द राइट ऑप्शन इज सी, बाइमोडल। फोर, व्हाट इज द क्रिस्टल साइज रेंज ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन क्रिस्टलाइजर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 30 to 60 मैश साइज। फाइव, व्हाई द एक्सियल पंप फ्लो स्पीड इज प्रिफर्ड इन फोर्स सर्कुलेशन क्रिस्टलाइजर। डी, टू कीप द सेकेंडरी न्यूक्लिएशन रेट स्मॉल। सिक्स, व्हाट इज द क्रिस्टल साइज रेंज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब बैफल क्रिस्टलाइजर। सी, 8 to 30 मैश। सेवन, व्हाट इज द टाइम फॉर अ टिपिकल साइकिल इंक्लूडिंग चार्जिंग द फीड क्रिस्टलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ द मैग्मा। राइट आंसर इज बी, 2 to 8 आवर। एट, व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैकेनिकल एजिटेशन। राइट ऑप्शन इज डी, लो रेट ऑफ प्राइमरी न्यूक्लिएशन। नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। राइट ऑप्शन इज ए, प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम। टेन, स्टेटमेंट वन, बैच क्रिस्टलाइजर आर यूज इफ द थ्रूपुट इज हाई। स्टेटमेंट टू, द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बैच क्रिस्टलाइजर इज हाई। आपको दोनों स्टेटमेंट चूज करने हैं। जी हाँ, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। आपने डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेवन, एन इक्विपमेंट विच प्रोड्यूस क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग एलॉन इज। राइट ऑप्शन इज बी, सिवेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर। ट्वेल्व, क्रिस्टलाइजर दैट सेव्स द स्पेस इन इंस्टॉलेशन इज। राइट ऑप्शन इज बी अगेन, सिवेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर। थर्टीन, एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर इज अ। राइट ऑप्शन इज ए, बैच प्रोसेस। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर इज अ। ऑप्शन सी, बैच एज वेल एज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। 15, टैंक क्रिस्टलाइजर इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बैच प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज बेस्ड ऑन द कूलिंग प्रोसेस। द राइट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ए, इवेपोरेशन। 18, अनदर मेथड इज यूज ओकेजनली फॉर ड्राइंग क्रिस्टल इज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वैक्यूम डेसिकेटर। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टल। सी इज करेक्ट, हीलियम गैस। 20, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस। डी, स्पॉन्टेनियस। 21, एडवांटेज ऑफ ड्रॉप्ड ट्यूब बैफल्स क्रिस्टलाइजर। बी इज करेक्ट, सेलेक्टिवली सेपरेट्स बिग पार्टिकल्स फ्रॉम द स्मॉलर वंस। 22, पैरामीटर्स अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन आर। डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द मेंशन। 23, द नेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय। सी, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर्स। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मदर लिक्वर। जी, डी, फिल्ट्रेट। 25, एट रूम टेम्परेचर द इम्प्योर कंपाउंड इन क्रिस्टलाइजेशन इज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल। 26, यू टेक सम सी वाटर फ्रॉम द ओशियन, यू पोर इट इन टू अ फ्लैट पैन एंड लीव इट इन द सनलाइट। एज द वाटर इवेपोरेट्स यू बिगिन टू सी स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्मिंग इन द बॉटम ऑफ द पैन।
व्हाट इज हैपनिंग, है ना। समुद्र का पानी सूखेगा तो नमक बन जाएगा, तो नमक क्यों बनता है, क्या प्रोसेस होता है? द राइट ऑप्शन इज सी, एज द वाटर इवेपोरेट्स द सॉल्ट क्रिस्टलाइज आउट द सोल्यूशन। 27, सिलीनियम सल्फेट इज एन एक्सपेक्शन ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ द सॉल्युबिलिटी कर्व, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब एक्सेप्शन कह रहा है तो बाकी आप समझ जाओ क्या जवाब होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ट्रू। 28, एजिटेटेड बैच क्रिस्टलाइजर इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल। ए, टेम्परेचर रिडक्शन। 29, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन आर रिमूव्ड बाय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द नियर एम्बिएंट टेम्परेचर रेंज फॉर द मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 20 to 40। ठीक है, ये है आकाश मौर्या जी जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत जल्दी मैं इनके करीब जाने वाला हूँ और ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उन्होंने इस कैरे क्वेश्चन भेजा, बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे। आकाश जी थैंक यू सो मच, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और पढ़ाई के साथ साथ चाहते हैं कुछ पैसे कमाना तो जुड़िए, आज ही रजिस्टर करिए अपने आप को jpet.kclpharmacy.com के साथ और भेज दीजिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी में, आपके PPT का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।